नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीकी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पीपीआई के बारे में, यानी कि पिक्सल पर इंच। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं, यहाँ पे कंपनीज जब स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं, वहाँ पे जब रेजोल्यूशन लिखते हैं, रेजोल्यूशन की बिल्कुल बाजू में लिखते हैं पीपीआई कितना है, उस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है उसमें पिक्सल डेंसिटी कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर आपको लिख के दे देते हैं। तो बेसिकली ये पीपीआई है क्या, इसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, क्या क्या फार्मूलाज है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीआई है क्या। पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक इंच में पिक्सल है मतलब कि किस तरीके से एक इंच, इस तरफ एक इंच, इस तरफ एक इंच या फिर इस तरफ एक इंच, कौन सी तरफ की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पे एक इंच मतलब डायगोनल एक इंच की बात हो रही है। डायगोनली एक इंच में, वन सिंगल इंच में कितने पिक्सल्स है, वही है बेसिकली पीपीआई। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस स्मार्टफोन में 401 पीपीआई की डिस्प्ले दिया गया है, इसका मतलब है कि डायगोनल एक इंच में 401 पिक्सल्स अवेलेबल है, 401 पिक्सल्स अवेलेबल है। डायगोनल एक इंच मतलब इस तरीके से एक इंच में 401 पिक्सल्स अवेलेबल है, 401 पिक्सल्स अवेलेबल है। अगर मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है कि इस स्मार्टफोन में 401 पीपीआई की डिस्प्ले दिया गया है, डायगोनल एक इंच में जितने पिक्सल्स है वही है बेसिकली पीपीआई। अब बात आती है कि पीपीआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पीपीआई कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे ईजिएस्ट मेथड है, और इसका एक फार्मूला भी है बेसिकली। यहाँ पे फार्मूला क्या है, डायगोनल पिक्सल्स बाय डायगोनल साइज इन इंचेस। जैसे कि अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूं तो यहां से यहां तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इस तरीके से, जितने पिक्सल्स है उसको आपको फार्मूला की ऊपर की साइड को लिखना पड़ेगा, और कितना साइज है इस डिस्प्ले का, जैसे कि 5.5 इंच, वो आपको इस फार्मूला की नीचे लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बारी आती है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स अवेलेबल हैं, ये तो मुझे नहीं पता। मैन्युफैक्चरर ने क्या बताया मुझे कि इस स्मार्टफोन में 1920x1080 रेजोल्यूशन है, मतलब कि 1920 पिक्सल्स है लंबाई में और चौड़ाई में 1080 पिक्सल्स है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1080 पिक्सल्स है और यहाँ से यहाँ तक 1920 पिक्सल्स है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स है ये तो नहीं पता, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। शायद आपने पाइथागोरियन थ्योरी के बारे में ज़रूर सुना होगा, या फिर पाइथागोरियन थ्योरम जो भी आप कहते हो, तो इस फार्मूला को यूज़ करके मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स हैं। इस फार्मूला से हमें क्या पता चलता है, रूट ओवर हाइट स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो रूट ओवर विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेसिकली अगर मुझे इस स्मार्टफोन की रेजोल्यूशन पता है 1920x1080, तो मैं इसको फार्मूला में कैसे पुट करूं, पाइथागोरियन थ्योरी में कैसे पुट करूं, रूट ओवर 1080 स्क्वायर प्लस 1920 स्क्वायर। अब जो आंसर आएगा वही है बेसिकली डायगोनल पिक्सल्स, यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स है, आपको आंसर मिल गया। जो भी अमाउंट आया इसको आपको सिंपली पीपीआई की फार्मूला में पुट करना है, डायगोनल पिक्सल्स बाय डायगोनल साइज इस फॉर्मूला में पुट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना पीपीआई का डिस्प्ले है। बहुत सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर Huawei का Y5 स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन के अकॉर्डिंगली इस स्मार्टफोन में मुझे 1440x720 का डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि इस स्मार्टफोन में 1440 पिक्सल्स है इस तरफ और इस तरफ पिक्सल्स है 720, यहाँ पे 720 पिक्सल्स है और यहाँ पे 1440 पिक्सल्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, रूट ओवर 720 स्क्वायर प्लस 1440 स्क्वायर। जो आंसर आएगा उतना पिक्सल्स आएगा डायगोनली, डायगोनली इतने पिक्सल्स होंगे, वहाँ पे आंसर आएगा 1609, इतना आंसर आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उस पीपीआई की फार्मूला के अकॉर्डिंगली उसके नीचे मुझे डिस्प्ले का जो साइज है वो लिखना है। इस स्मार्टफोन में Huawei की Y5 इस स्मार्टफोन में मुझे डिस्प्ले साइज मिलता है 5.45 इंच, उसको मुझे वहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद मुझे आंसर आ जाएगा 295, मतलब कि Huawei Y5 में मुझे 295 PPI की डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बहुत आसान है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है।
अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन्स में 4K डिस्प्लेस की क्या ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्प्लेस है, जो 1080p का डिस्प्लेस है, वो मोर देन इनफ है। हमें कोई भी पिक्सल्स नज़र में नहीं आते हैं 1080p के डिस्प्ले में, फिर भी हम 4K डिस्प्लेस क्यों बनाते हैं स्मार्टफोन्स के लिए। इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप उस स्मार्टफोन को VR हेडसेट में यूज़ करना चाहते हो, वर्चुअल रियलिटी सेटअप्स में यूज़ करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप 360 डिग्री वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप 360 डिग्री गेम्स को प्रॉपरली एंजॉय करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में 1080p की डिस्प्ले आपके लिए इनफ नहीं है। यहाँ पर रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा PPI होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो इसीलिए 4K डिस्प्लेस को स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।